अच्छा बेटा, हेल्थ वाला निकल गया, अब आगे आ जाएं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला हमने पढ़ना है। नाउ डेज व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज, एम्बिशियस का मतलब हैविंग ग्रेट एम, जिसका बहुत बड़ा मकसद हो। एम्बिशियस, हैविंग ग्रेट एम, जिस बंदे का बड़ा एम है उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। When most ambitious boys want to go to college, बहुत से ambitious पुराज़म लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं। The financial pressure is very serious one. Financial pressure, माली दबाव बहुत संगीन मामला है। A few parents take the position, चंद वालदैन इस position में होते हैं, that the boy should earn his way through college for good of his soul, कि लड़के को college में अपना खर्चा खुद पूरा करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत की बात है, नो बॉय आर टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड। अवॉइडेड का मतलब बचना, यानी किसी भी तरह बच सकते हैं तो लड़के को पूरा जो है पूरी रोजी कमाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, यानी सारी रोजी वो ना कमाए, थोड़े बहुत पैसे चलो कमा ले लेकिन सारे नहीं। नॉट ओनली डज ही गेट माइटी पुअर लिविंग, ना सिर्फ उसकी बहुत बुरी रोजी होती है, बट दिस प्रोसेस, इस अमल से, बट ए माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, बल्कि तालीम भी बहुत ख़राब हो जाती है। इफ द बॉय आर टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर लड़के ने कॉलेज जाना है, ही आर टू बी ट्रस्टेड, उस पर भरोसा करना चाहिए, टू मेक गुड यूज ऑफ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन। रीजनेबल का मतलब माकूल, रीजनेबल माकूल, रीजनेबल इनफ कंट्रीब्यूशन फंड्स, कंट्रीब्यूशन का फंड्स, उसे जो है मुनासिब फंड्स भी दिए जाएं, रीजनेबल कंट्रीब्यूशन, मुनासिब फंड्स दिए जाएं फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन से, टूवर्ड एक्सपेंसेस, अपने अखराजात के लिए। एनी पेरेंट हाउस दिस मच टू हिज सन, बेटे का जिम्मेदार है, हाउस का मतलब इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, इज रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार है, हाउस दिस मच टू हिज सन, अपने बेटे के लिए इसका जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी उसके पास है। क्यों भाई, रीजन क्या है? द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड। सुहेल अशरफ और अरसलान अशरफ ने चौधरी अशरफ से नहीं कहा था कि आप हमें इस दुनिया में ले आए, इसलिए अगर वो ले आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। और ना ही जीशान अख्तर ने अख्तर बंदेचा साहब से कहा था कि ये गलती करें, और ना ही अब्दुल्ला रजाक ने कहा था, क्या ख्याल है? हाँ, किसी ने भी नहीं कहा था। तो वालदैन को नहीं कहा था कि वो उसे दुनिया में ले आएं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इज बीइंग हियर, वो उसके यहाँ होने के जिम्मेदार हैं, एंड कंसिक्वेंटली इसके नतीजे में, कंसिक्वेंटली इसके नतीजे में, कंसिक्वेंटली इन इट्स, इसके नतीजे में, कंसिक्वेंटली क्या है भी, कंसिक्वेंटली इसके नतीजे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट वर्ल्ड प्रॉब्लम, दुनिया के मसाइल का सामना करने के लिए बेहतरीन साजो सामान फराहम करें, यानी जो उसके मसाइल हैं उनको हल भी करें। नेवर दी लेस, बहरहाल, मैनी बॉयज आर कास्ट एंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, बहुत से लड़कों को कॉलेज के अखराजात के लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाता है, एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब नुकसानदेह, ऑफ देयर हेल्थ, ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, आर द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या उनकी तालीम की मैार, आर बोथ, या दोनों के लिए। एनी बॉय कैन अर्न ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसिस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, कोई भी लड़का अपने आप को तकलीफ पहुँचाए बगैर अपने अखराजात थोड़े बहुत कमा सकता है, किस्सा। एंड इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में, मैनी बॉयज आर विलिंग, विलिंग का मानी तैयार, रेडी, रिजॉल्वड, ठीक है जी, विलिंग होते हैं, बहुत से लड़के जो हैं वो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, विलिंग होते हैं, किस लिए? विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर, अपने हिस्से से कुछ ज़्यादा कमाएं, इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन का बोझ बटाने के लिए। But to see boys by dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, लेकिन दर्जनों लड़कों को देखना कि वो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक चलती हैं, 6 days a week, हफ्ते में 6 दिन, to see boys undergoing transfusion of blood,
बच्चे जो है खून देते हैं टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, अपनी खुराक और किताबों की रकम लेने के लिए। इन हर्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल, दिल को तकलीफ देने वाला मंजर है। हर्ट रेंडिंग, वेरी पेनफुल, बहुत ही तकलीफ दे मंजर है। हर्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल, मैनी ऑफ आवर बॉयज आर फाइनेस्ट कैरेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, हमारे बहुत से आला किरदार और काबिलियत रखने वाले लड़के आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, इस तरह का काम कर रहे हैं। एंड इनिविटेबली, और नागुजीर तौर पर ना बचते हुए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पेरेंट फेलियर, बज़ाहिर नाकामी की ये एक बड़ी वजह है। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन, ज़्यादातर कॉलेज जो कर सकते हैं करते हैं, विद स्कॉलरशिप फंड, स्कॉलरशिप फंड्स के जरिए टू एलिविएट द सिचुएशन, इस सूरत हाल से बचने के लिए। एलिविएट का मतलब एस्केप, गेट रिड ऑफ, उससे निजात हासिल करने के लिए। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, लेकिन जब हर मुमकिन काम कर लिया जाता है, एवरी डीन हु नोज स्टूडेंट, हर डीन, डीन का मतलब सरबराह इदारा, हु नोज स्टूडेंट्स, जो अपने स्टूडेंट्स को जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज, बहुत से लड़कों को याद कर सकता है, हु हैव बीन ओब्लाइज टू ड्रॉप आउट, जिन्हें निकाल दिया गया फॉर लैक ऑफ लिटिल मनी, थोड़ी सी रकम की कमी की वजह से, टू सी देम थ्रू, उन्हें कामयाब होने से, यानी थोड़ी सी रकम की कमी की वजह से उन्हें निकालना पड़ा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स निकालें, वो हम पढ़ लें, निकालें क्वेश्चन आंसर्स, निकालें, शाबाश, निकालें ज़रा क्वेश्चन आंसर्स क्या कहते हैं, लाएँ बुक दें मुझे, क्वेश्चन आंसर्स वाली बुक दें। तो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे आपके, सब ठीक है, ठीक है, लर दूर तो नहीं हुआ। चलें अब देखें, ये हमने सेहत के मसले वाला सवाल कर लिया, और पीछे दो क्वेश्चन हैं वो आगे हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, तो साथ ये हो जाएगा। अब एडिशनल में देखें, 28 नंबर तक हमने किया, और 28 नंबर के बाद आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट आर द डिजीजेज द बॉयज यूजुअली सफर फ्राम, लड़के आमतौर पर किन बीमारियों में मुबतला होते हैं। द बॉयज यूजुअली सफर फ्राम ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, टीबी, गले की खराबी, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन एंड नर्वस एंड मेंटल डिजीजेज, बहुत सी असाबी और जहनी परेशानी। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 34, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ पुअर हेल्थ बी सॉल्व, सेहत का मसला हम किस तरह हल कर सकते हैं। एवरी कॉलेज शुड हैव मेडिकल ऑफिसर एंड प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, हर कॉलेज में एक मेडिकल ऑफिसर और सेहत की मुनासिब सर्विस होनी चाहिए। देयर शुड बी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, बाकायदा वक्तों से स्टूडेंट का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। द डॉक्टर शुड एडवाइज देम ऑन हेल्थ, डॉक्टर्स को चाहिए कि वो उन्हें नसीहत के सेहत के हवाले से नसीहत करें। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 37, हाउ कैन कॉलेज अथॉरिटीज सॉल्व द फिनेंशियल प्रॉब्लम, किस तरह जो है वो फिनेंशियल प्रॉब्लम हल कर सकते हैं कॉलेज अथॉरिटीज। The college authorities should award stipends and scholarships to poor students, उन्हें चाहिए कि गरीब students को stipend and scholarship वज़ायफ और इमदाद दें। And help reducing their financial pressure, और उनके financial pressure को जो है माली दबाव को क्या करें, कम करें। एक दिन कोई सवाल जहन में आता है तो कर लें।